अगर मूवी को 2-3 घंटे का टाइम देना ही है तो घिसे पिटे कंटेंट को ही क्या देखना। इसलिए मैं आज आपके लिए टॉप 5 बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाली मूवी की लिस्ट देने वाला हूँ। ये मूवी कहाँ और कैसे मिलेगी, वो भी हिंदी में। इन सब की डाउनलोड लिंक्स इसी वीडियो में बताऊँगा और ये मूवी फैमिली के साथ देखने के लायक है या नहीं है ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो टाइटल टॉप 5 मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इस लिस्ट में जो नंबर 5 पर मूवी आती है उसका नाम है द एल्फा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसमें जानवर और इंसान की दोस्ती को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कैसे एक लड़का अपने साथियों से बिछड़ जाता है और सभी उसे मरा हुआ छोड़कर निकल जाते हैं। उसके मदर एंड फादर भी उसे मरी हुई हालत में छोड़ के चले जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसको IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है एंड रोटेन टमेटोज़ पर 80% की ऑडियंस पोल मिली है। अगर आपको एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी पसंद है तो ये मूवी आपके ही लिए बनी है। ये मूवी आपको MX प्लेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब लिस्ट की 4th नंबर मूवी को देखते हैं जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। इस मूवी में आपको रोमांस और एडवेंचर भर भर के मिलेगा। मूवी को एक बार देखना शुरू कर दिया तो एंड से पहले उठ ही नहीं पाओगे। अगर आपको रोमांटिक मूवीज़ अच्छी लगती है तो इससे कहानी आप बहुत रिलेटेड करोगे। ये कहानी है एक बीस्ट की, यानी एक शार्प के ऊपर ये मूवी बनी हुई है और कुछ ऐसे सीन है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर आप रोमांटिक मूवी नहीं देखते हो तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है और इसे आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 7.1 की एंड रोटेन टमेटोज पर इसको रेटिंग मिली है 71% की। ये मूवी आपको MX प्लेयर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। अब लिस्ट की 3rd नंबर मूवी की बात करते हैं जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। ये बेसिकली एक फैमिली एंड एडवेंचर एंड फैंटासी मूवी है। यह कहानी टोटली स्नो वाइट क्यून नाम की लड़की पर बेस्ड है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी एक्टिंग मिलेगी। सभी एक्टर ऐसे लगते हैं जैसे कोई रियल एक्ट प्ले हो रहा है। बट मूवी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मूवी कुछ सीन में काफ़ी स्लो हो जाती है और मैंने सच बताऊँ तो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा स्कीप करके देखा है। लेकिन एक्टर की एक्टिंग और यूनिक कंटेंट के लिए आपको ये मूवी मस्ट वॉच करनी चाहिए। IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.1 की एंड रोटेन टमेटोज पर इसको रेटिंग मिली है 49% की। ये मूवी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसी में लिस्ट पे जो 2nd नंबर मूवी आती है उसका नाम है 10,000 BC। ये बेसिकली एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और बेस्ट मूवी है। इसमें आपको लव रोमांस एक्शन एडवेंचर सब कुछ मिलेगा जो कि आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड होगा। मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक कबीला होता है जिसकी दूसरी कबीले वाले लोग उसे पहले कबीले के लोगों को उठा ले जाते हैं और वो कबीला हीरो का होता है। मूवी में कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो रुला देने वाले हैं। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज देखी हुई है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। बेस्ट मूवी है। IMDb एंड रोटेन टमेटोज पर इसको काफ़ी कम रेटिंग मिली है लेकिन मेरे कहने से ये यूनिक कंटेंट वाली मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। वैसे IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 5.1 की एंड रोटेन टमेटोज पर इसको ओनली 90% की रेटिंग मिली है। ये मूवी मस्ट वॉच है। ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब लिस्ट की आखिरी मूवी की बात करेंगे। नंबर 1 में जो मूवी है उसका नाम है वारक्राफ्ट। इसके विजुअल इफेक्ट एंड इमेजिनेशन आपको मूवीज़ के नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, दोनों पार्ट मस्ट वॉचेबल है। इसकी कहानी की बात करें तो एक्सल नाम के लोग होते हैं जो कि दूसरे ग्रह पर रहते हैं और उसका लीडर उन सब को मैजिक से दूसरे ग्रह ले जाता है। इससे आगे बताना तो स्पॉइलर होगा लेकिन मेरे कहने से ये मूवी ज़रूर देखना। इस मूवी में आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यार इस वीडियो के 10 लाइक एम होने चाहिए और यार प्लीज़ कंप्लीट कर देना। अगर आप तक अभी तक हमारी चैनल पर हो तो यार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।